Opinions and stories around the game we love, told by your favorite storytellers. Stay up to date with all things cricket. Subscribe to Cricket Buzz's YouTube channel and press that bell icon now. आशीष, बड़ी बातें हो गई भारत के पॉजिटिव्स की. ऑफकोर्स तेज गेंदबाजी हो, केएल राहुल की बल्लेबाजी हो, लेकिन एक जगह है जिस पर सबके नजरें जाती हैं और वहां सवालिया निशान काफी समय से रहा है, 30 के नीचे है. इन तीनों भारत के बिग थ्री अजिंक्य रहाणे, चेतेश्वर पुजारा और विराट कोहली का टेस्ट औसत पिछले दो साल में कप्तान कोहली से शतक नहीं लगाए. हमने देखा कि उन्होंने इस दूसरी पारी में इंटेंट दिखाया तीनों ही बल्लेबाजों ने, लेकिन आगे जाते हुए कैसा देखते हैं आप इनके लिए रोड मैप, क्योंकि वो भी देख रहे हैं अपने इर्द गिर्द की अगर वो, जैसा आपने भी बताया, उनसे रन नहीं बन रहे, उनसे रन बन जाएंगे तो टीम और ज्यादा मजबूत हो जाएगी. कैसे देखते हैं आप उनका रोड मैप आगे जाते हुए इस सीरीज? देखिए, जब आप इतने वरिष्ठ खिलाड़ियों की बात करते ना, जैसे हमने मैच से पहले चर्चा करी, मैं सरप्राइज था कि अजिंक्य रहाणे को खिलाया गया, और अगर आपने आप सीनियर प्लेयर को इतनी बैकिंग कर दी है वो देख के अच्छा भी लगता है. तो अब ये बात तो लाजमी सी है कि दूसरी पारी में जिस तरीके से उन्होंने 20-25 रन बनाए वो देख के अच्छा लगा कि आप आगे चलते हुए भी अजिंक्य रहाणे को ही बैक करेंगे. और देखिए, जब टीम बेहतर कर रही होती है ना, तो चाहे सीनियर खिलाड़ी हो, जूनियर खिलाड़ी हो, हर खिलाड़ी को ना थोड़े और मौके ना एक्स्ट्रा मिलने का ना चांस ज्यादा हो जाता है, और सीनियर खिलाड़ी को तो और. जी हाँ, तीनों के तीनों भली भांति जानते हैं, समझते हैं कि उनके बल्ले से और रन निकलने चाहिए, क्योंकि जब आप इतनी क्रिकेट खेल लेते हैं, इतने टेस्ट मैचेस खेल लेते हैं ना, तो मुझे नहीं लगता आपको किसी को बताने की आवश्यकता होती है कि ना अभी रन उतने बन नहीं रहे, उतनी फॉर्म में आप है नहीं. पर देखिए, अभी हम यहाँ चर्चा कर रहे थे केएल राहुल की या किसी भी अंतर्राष्ट्रीय टीम की उतार चढ़ाव आप देखते हैं, ये भी कोई अलग नहीं है उस तरीके के दौर से ये तीनों खिलाड़ी भी इस समय गुजरते हुए, और आप सिर्फ इंतजार कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं कि इनके बल्ले से भी रन निकले. क्योंकि देखिए, ऐसा नहीं है कि ये बल्ले थे ना बिल्कुल गेंद लगी नहीं रही है, सेट नहीं हो रहे हैं. आप अगर विराट कोहली की बात करें, फिर चिंता का विषय क्या है विराट कोहली के लिए कि सेट होके आउट हो रहे हैं 20-30-35-40 में, और लगभग एक ही तरीके से आउट हो रहे हैं. बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से वो आउट हो रहे हैं ना, तने वहां पे वो कवर ड्राइव मारते हैं, उन्होंने रन भी बहुत बटोरे हैं. बिल्कुल, मजा आता ना आपको, आपका पसंदीदा स्ट्रोक है. पर हाँ, यहाँ पे ये जरूर मैं कहूंगा कि विराट कोहली जो है ना, इस समय अगर आप चर्चा करेंगे तो वहां पर कवर पॉइंट की दिशा में रन बटोरने से ज्यादा ना भारी किनारे ज्यादा लगे हैं पिछले कुछ समय में. तो उस चीज को हम चाहेंगे, विराट कोहली खुद चाहेंगे, और देखिए वो तो उनसे बेहतर वहां पे बैटिंग कोच है, राहुल द्रविड़ है वहां पर. बिल्कुल, तो उससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता. और आप उम्मीद करेंगे एज ए भारतीय फैन, भारतीय समर्थक, कि ये तीनों के तीनों खिलाड़ी ना इस लीन पैच से जल्द बाहर निकले. तो आप सोचिए कि आप और कितना दबदबा बना सकते हैं. हालांकि अगर यहाँ पे भी अगर आप आंकड़ों में भी देखेंगे, चाहे आप जितनी मर्जी बात कर लीजिए कि साउथ अफ्रीका की टीम इस समय स्ट्रगल कर रही है, लगभग टेस्ट मैच 3 दिन में खत्म हो गया था, तीन दिन में एक दिन पूरा धुल गया था, जो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है. देखिए, जीत तो जीत है, चाहे आप आखिरी सत्र में जीते, पर यहाँ पर आपने साउथ अफ्रीका को बिल्कुल रौन दिया. और मैं बिल्कुल सरप्राइज नहीं हूँ कि अगर ये टेस्ट मैच ड्रॉ होता या भारतीय टीम पिछड़ जाती तो मैं जरूर सरप्राइज होता. तो उम्मीद करते हैं कि ये तीनों के खिलाड़ी अपने स्लीन पैच से इसी श्रृंखला में आपको देखने को मिले कि बाहर आएंगे, और फिर उसके बाद स्काई इज द लिमिट आगे चलते हुए भी भारतीय टीम के लिए कुछ.